अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? और आप सभी जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, मज़े में रहो अपनी अपनी फैमिली के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से रहो, बहुत मज़े में रहो, और मैं भी ठीक हूँ। तो बस आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से, मतलब सुबह से क्या, मैंने यह ब्लॉग अपना 9 o'clock से 9 बजे से स्टार्ट किया है। इस समय 9 बज रहे होंगे। तो बस नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। नाश्ते में मैंने बनाया था चाय, तो डेली रहता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, लेकिन भिंडी बनाई थी नाश्ते में, रोटी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो नाश्ता हो गया है और बस अब मैं किचन के काम में लग गई हूँ। किचन रूम्स वगैरह जो रोज़ डेली सफाई रहते हैं, थोड़ा बड़ा वही मैं काम कर रही हूँ। तो वही मैं स्लिप वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ थोड़ा। अभी बर्तन मैंने रखे हैं और आप देख सकते हो उधर मछली भी रखी है मैंने प्लेट में। तो मुझे मछली भी बनाना है, छोटी मछली आई है तो अभी उसको भी मैंने बनाऊंगी मैं। और इधर मैं बर्तन पहले मैं धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मछली मैं बनाऊँगी, क्योंकि मछली बहुत ताज़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले मछली नहीं बनाऊँगी, पहले मैं बर्तन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं मछली बनाऊँगी। तो बस इधर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ सुबह का, और सुबह के तो बर्तन बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद थोड़ी सी जो काम वगैरह रहते हैं, झाड़ू लगाना भी बाकी है मुझे, तो मैं झाड़ू लगाऊंगी, पहले मछली बनाऊंगी, उसके बाद कोई काम मैं करूंगी। तो बस बर्तन मेरी क्लीन हो गई है और झाड़ू मैंने लगा लिया है, किचन को मैंने साफ़ कर दिया है। तो और देखिए फिश भी मैंने उसको अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो इस फिश में मैंने 10 मिनट पहले मैंने इसमें लहसुन अदरक और थोड़ी सी प्याज मैंने पीसी थी, और जीरा गुल मिर्च और धनिया पाउडर था बस, और नमक डाल करके मैंने उसको फेंट दिया था। और उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन भी ऐड कर दिया था चने की, तो वही डालने फेंटने के बाद रख दिए थे मैंने 10-15 मिनट। और बस इस तरह मैं एक एक फ्राई कर लूँगी, और बस छोटी मछली है ये, तो इस तरह से मैं बना रही हूँ फ्राई करके, तो अच्छी बनती है इस तरह से। तो बस इधर मछली फ्राई हो रही है और बस थोड़ा सा मैं इधर प्याज कट करूँगी, क्योंकि मछली मुझे थोड़ा सा बड़े भी मछली आई है, थोड़ी सी छोटी मछली आई है, तो मुझे दोनों को बनाना है। तो बस छोटी मछली जब मैं फ्राई कर लूँगी तो बड़ी मछली बनाऊँगी। और इधर मैं प्याज को बारीक, मैं थोड़ा सा बारीक ही नहीं, थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बस इस तरह से मैं प्याज कट कर लूँगी, और कट करने के बाद, क्योंकि इधर मैंने सोचा कि चलो फिश भी फ्राई हो रही है थोड़ा मीडियम फ्लेम पे, तो थोड़ा थोड़ा मैं इधर अपना काम भी कर ले रही हूँ, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं बनाना है, तो मछली बनाना है तो उसी में को मैं ये कट कर रही हूँ प्याज वगैरह। और बस ये मैंने प्याज कट कर लिया, और ये मैं दिखला रही हूँ बालाजी का है पंजाबी तड़का। तो ये बस मैं 4-5 दिनों से थोड़ा खा रही हूँ, मैं ये सब खाती नहीं हूँ, लेकिन ये मैं खा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने में और बहुत मज़े का लग रहा है। तो बस इसीलिए मैं ये सब, तो मैं बिल्कुल जो मार्केट की सामान वगैरह होती है तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया है तो वही मैं थोड़ा सा मैं ले रही हूँ। और
वही मैं दिखला रही थी कि आजकल मैं ज़्यादा यही खा रही हूँ। तो इधर फिश फ्राई हो गई है, छोटी मछली। इस तरह से मैं फिश फ्राई करके सारे को निकाल लूँगी। और इसको निकालने के बाद सारे फिश मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसी कढ़ाई में मैं प्याज फ्राई करूँगी। तो देखिए मैंने डाल दिया है प्याज। तो इसमें मैं बनाऊँगी थोड़ी सी जो मछली है बड़ी वाली, वो मैं बनाऊँगी इसमें। तो प्याज को मैं ऐसा कच्चा पक्का पकाऊँगी ज़्यादा, तो मैं इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा ही समय करूँगी। और इधर देखा दिखला रही हूँ मैं कि फिश फ्राई कर दिया है मैंने। तो बस आधा कच्चा प्याज मैंने पकाया है, आधा कच्चा पक्का। और उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है उसमें। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और जीरा गोल मिर्च वो धनिया पाउडर हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर सब मैं डाल दूँगी इसमें। और इसको मैं थोड़ा सा देर तक भूनूँगी मैं फ्राई मतलब मसाले को अच्छे से मैं भूनूँगी थोड़ी देर तक। बस तो देखिए इधर मसाला मेरा भून रहा है और इसमें मैं टमाटर भी ऐड किया था और मैंने नमक इसमें ऐड डाल दिया है, नमक ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरम मसाला 1 चम्मच होगा। फिर मैंने डाल दिया है मछली फिश डाल दिया इसमें। तो बस इसमें पानी मैं ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही एकदम बिल्कुल जो गैस का फ्लेम है ना बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम। और धीरे धीरे ये पक जाएगा उसी में। और मछली तो वैसे भी बन जाती है झट से, तो वैसे में बनाऊंगी इसको आज बिल्कुल सूखी चटपटी और बिल्कुल क्या इसको बोलते हैं लटपट चटपट मैं ऐसे बनाऊंगी। तो देखिए एकदम बिल्कुल पकते पकते इस तरह दिख रही है। और एक एक बार मैं इसको चलाऊंगी। और तो मैंने इसको पलट दिया है बस थोड़ी सी देर, कम से कम 2-3 मिनट और इसको ऐसे मैं पकाऊंगी ढक करके अच्छे से। तो बस ये फिश भी बन जाएगी। तो फिश बन गई है, रेडी हो गई। तो देखिए इस तरह से दिख रही है फिश। और धनिया का पत्ता हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है इस समय, गांव है तो बहुत गांव में ना तो नहीं मिल पाता है। तो बस ये मेरा खाना है, ये आलू भिंडी मैंने बनाई थी वो है, दाल चावल और फिश बनाई थी और ये फिश फ्राई है। तो बस ये मेरा दोपहर का लंच है। यूट्यूब चैनल, और कैसे हो आप सभी? और आप सब बहुत अच्छे से रहो अपने अपने फैमिली के साथ। और क्या है कि आज है मंडे, तो मैंने 2-4 दिनों से मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं, कोई ब्लॉग नहीं बनाए थे। तो बस आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं वीडियोस बना रही हूँ। और आज है मंडे, तो आज मैंने अपना सुबह से जो ब्लॉग था मैंने स्टार्ट कर दिया था। और नाश्ता मैं लोगों ने मतलब कर ही लिया था, और उसके बाद मैंने खाना भी बनाए हैं। तो खाने में मैंने बनाया है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या बनाया है। बहुत दिनों के बाद मैं बनाई हूँ फिश फ्राई फिश, जो बहुत छोटी छोटी मछली आती है, जब इतनी बड़ी बड़ी मछली रहती है वो, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है वो मछली छोटी वाली। तो वही मैंने बनाया है। और तो खाना मेरा बन गया है, सब मेरे काम हो गए हैं, और बच गए हैं शाम के, सॉरी शाम के नहीं दोपहर के, बच गए हैं दोपहर के 12। तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाएंगे, हम लोग खाना अभी थोड़ी देर में खाएंगे। और खाना खाने के बाद मैं मिलूंगी आप लोग से। और क्योंकि मैं 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, अभी भी कुछ ठीक नहीं है, और मैं दवा खा रही हूँ, तो वीडियोस बना रही हूँ। और जो मैंने पिछला मतलब जो मैंने वीडियो डाले थे अपना पिक, तो मेरे पास कोई भी वीडियोज नहीं थे, तो मैंने वही पिक वाला वीडियो लगा दिया है। और क्योंकि मैंने इसलिए लगा दिया है कि पिक वाला वीडियोज लगा दिया, क्योंकि फोटो मेरे पास थे मेरे शादी के, तो
वैसे रखे थे, एल्बम में है, मैंने रखा है, लेकिन क्या है कि एल्बम में रहेगा कि कब गड़ी क्या हो जाएगा, कभी खराब भी हो सकता है, कभी अच्छे से रह भी सकता है, खराब भी हो सकता है। तो उसको मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एक अच्छे से वीडियोज मैंने बना दिया है पिक लगा करके, ताकि मेरा जो यादगार है वो रहेगा, तो इसीलिए मैंने बना दिया है। और बस वही थी तो मैंने बना दिया, डाल दिया, वीडियो बना दिया उसका। तो बस आज है मंडे, तो आज मैंने अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया था, और बज गए हैं दोपहर के 12:30। तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, खाना हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे। अभी बच्चे बैठ करके गेम खेल रहे हैं उधर उस रूम में, और बस लाइट वगैरह हमारे हम लोग के यहाँ नहीं है, लाइट चली गई है इस समय। तो चलिए मिलती हूँ, खाना खाएंगे हम लोग, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में मैं आप लोग से बात करूंगी खाना वाना खाने के बाद। तो इधर शाम हो गई है, शाम के 3 बज रहे हैं, तो मैं इनको तैयार कर रही हूँ मदरसा जाने के लिए, कि मदरसा हमारे यहाँ खुल गया है 2-3 दिन से, लेकिन डिस्टेंसिंग दूरी के साथ। हाफिज़ जी पढ़ाते हैं इन लोग को, हाफिज़ जी भी चले गए थे अपने घर, तो आए हैं 2-3 रोज हुआ है, तो अब जा रही मदरसा मेरी बेटी पढ़ने। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।